मैंने इस वीडियो को आप सबके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया है, बिकॉज मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं जो फर्स्ट टाइम मॉम बन रही हैं और उन्हें पता ही नहीं कि लेबर पेन कैसे स्टार्ट होगा और उनके शरीर में ऐसे कौन कौन से लक्षण अपीयर होंगे जिससे उन्हें इजीली पता चल जाएगा कि उनका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। और लेबर पेन कब स्टार्ट होता है, ये 36 वीक के बाद 40 वीक से पहले इन ड्यूरेशन के बीच कभी भी हो सकता है लेबर पेन, या आपको मंथली कहूँ तो 9वां महीना चढ़ते के साथ कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो आपको पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से तैयार रहना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मैं इस वीडियो के अंदर पूरे 11 लक्षण बताऊंगी जो आपको प्रसव पीड़ा के लक्षण हैं। तो चलिए, आपके मन में जितने भी सवाल हैं प्रसव पीड़ा को लेकर, आपके लेबर पेन को लेकर, उन सबको मैंने इस वीडियो में पिक किया है। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करी। अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका प्रसव पीड़ा स्टार्ट होने वाला है, इसका मतलब पहला इंडिकेशन है कि आपकी बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, यानी कि बेबी का सर नीचे जा चुका है पेल्विक रीजन तक। दूसरा पॉइंट, आपके निचले एरिया में एक संकुचन होना, जहाँ से आप यूरिन पास करती हैं, एक तेज़ दर्द होना, फिर वो दर्द जो होता है रुक जाता है, फिर कुछ देर बाद एक तेज़ दर्द होना, एक करंट जैसा दर्द होना, इस तरह की बातें मानी जाती हैं। ये दर्द आपको एक एक घंटा पे हो सकता है, लगातार नहीं होता है। लेबर पेन का दर्द, लेबर पेन का दर्द रुक रुक के होता है, आता है, जाता है, फिर आता है, रिपीटेशन में होता है। थर्ड पॉइंट है, आपके सर्विक्स में अचानक एक चेंजेज आ जाना, जो जिससे पता चलेगा आप प्रसव पीड़ा के बहुत ही नज़दीक है। क्या चेंजेज आती है, वो काफ़ी सॉफ्ट होने लगता है, बिकॉज उसे पूरा 10 सेंटीमीटर ओपन होना होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जिससे बच्चे का जो सर है वो इजीली बाहर आ जाए। फोर्थ पॉइंट, म्यूकस के साथ ब्लड का आना, थोड़ा थोड़ा सा रेड कलर का ब्लड, एक ब्लडी सो हो सकता है। ये लेबर पेन का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है, एवरी लेडीज़ को नहीं होता है, जैसे मुझे नहीं हुआ था, लेकिन मैं ऐसी बहुत सारी लेडीज़ को जानती हूँ जिन्हें ये ब्लडी सो, जिन्हें ये म्यूकस रिलीज होता है रेड कलर का। फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ तो आपका वाटर बैग लीक होना, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। वाटर बैग लीक होने के बाद आपको 48 घंटे के अंदर अपनी डिलीवरी करवानी होती है, तभी जो वाटर बैग लीक होते के साथ सिर्फ 48 घंटे तक बच्चे सेफ होते हैं। तो जब भी आपका वाटर बैग लीक होता है अपने डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। सिक्स पॉइंट है, बच्चे के आने की खुशी में कुछ तैयारियाँ करने लगना। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो अपने आप हॉस्पिटल बैग पैक करेगी, बच्चे के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेती है, तो ये चीज़ें भी आती है आपके लक्षण के अंदर ही आती है। सेवन पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ तो कुछ महिलाओं के भावनाओं में काफ़ी उतराव चढ़ाव होता है, जैसे ही या तो वो बहुत खुश होने लगती है या फिर थोड़ा सा नेचर चिड़चिड़ा जैसा होने लगता है जब उनका प्रसव पीड़ा नज़दीक आता है उस टाइम में। यहाँ पे 8 पॉइंट की बात करूँ तो पेट खराब होने लगता है, कहने का मतलब कि लूज मोशन होने लगता है। ये प्रेगनेंसी के मोस्टली देखा गया है कि आपको जब 12 दिन या 10 दिन पहले, मुझे 12 दिन पहले हुई थी, किसी लेडीज़ को 15 दिन पहले, किसी को एक वीक पहले लूज मोशन आने लगता है, जिससे पेट उनका क्या होता है पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है और उनका बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी होने लगता है। 9 पॉइंट है, नींद ज़्यादा आना। कुछ महिलाओं का प्रसव पीड़ा नज़दीक होते के साथ उनका बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाता है और उनको नींद ज़्यादा आने लगती है। 10 पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे ये है कि आपके जोड़ों में, आपके मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव, एक दर्द फील होने लगता है, क्योंकि जो आपका बॉडी है वो खुद को लेबर पेन के लिए इस टाइम रेडी करता है। एंड लास्ट जो है वो 11 पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुछ महिलाओं का डायरेक्टली जो होता है वो वज़न 9 मंथ में बढ़ने लगता है या फिर वज़न डायरेक्टली घटने लगता है। ये दोनों ही आपके प्रसव पीड़ा के लक्षण के गुड इंडिकेशन होते हैं, जिससे आप इजीली पता लगा लेती हैं कि आपका जो है वो प्रसव पीड़ा बहुत ही नज़दीक है। गाइस, इस वीडियो में मैंने पूरे 11 लक्षण बताए, इनमें से कुछ लक्षण भी मैच हो रहे हैं तो भी आपकी जो प्रसव पीड़ा है बहुत करीब है, जब आपका 36 वीक प्लस जा चुका है। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर भी कुछ नीचे पूछना है तो नीचे कमेंट्स कर सकती है, नेक्स्ट टाइम मैं आपके कमेंट को ज़रूर पिक करूँगी। चैनल पे 500+ प्रेगनेंसी टिप्स की वीडियोज़ हैं, वो सारी वीडियोज़ कारगर हैं।
तो सारी वीडियोज़ को देखिए, जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।